ओम शांति। आप सबको स्वागत है 30 जून के ईश्वर वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अधिकारी बने, और अधिकारी बन करके हम मास्टर दाता बने कि हम जो भी प्राप्ति हमने करी है परमात्मा से, गॉड से, अल्लाह से, वो सारी प्राप्ति हम औरों के साथ भी शेयर करें। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। पहले तो सर्व खजानों का अधिकारी बनना जरूरी है। वो बनते कैसे हैं वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। कहा जाता है, 1-2 हजार पाओ विनाशी खजाना देने से कम होता है। विनाशी खजाना हो गया धन, या अपने संपत्ति में कुछ सुख सुविधाएं आपने दे दी दिया और आपका कम हो गया। अविनाशी खजाना कौन सा? जो आध्यात्मिक ज्ञान का, रूह का ज्ञान का खजाना, और परमात्मा का ज्ञान का खजाना, और मुक्ति का ज्ञान का खजाना, गुणों का ज्ञान का खजाना, शक्तियों का ज्ञान का खजाना। ये जितना आप बांटेंगे उतना ही आपके पास बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके अनुभव बढ़ते जाएंगे। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। और भरपूर कैसे होते हैं? अनुभवों से भरपूर होते हैं। सिर्फ रट लेने से नहीं ज्ञान को, लेकिन अनुभवों से भरपूर होकर ही आप औरों को दे सकते हैं। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, खुद भी भरपूर हैं और संपन्न हैं, कंप्लीट हैं। उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है, परमात्मा का दिया हुआ खजाना मेरा खजाना हो गया, क्योंकि उनकी बुद्धि में जो है वो सब कुछ वो हमें दे रहे हैं और वो सब कुछ हमारी बुद्धि में जा रहा है। लेकिन उसके लिए क्या करना क्या है? जिनकी याद सच्ची है वो बुद्धि में तब रहेगा जिनकी याद सच्ची होगी। परमात्मा को याद करना, खुदा को याद करना, अल्लाह को याद करना, जिनका सच्चा है उनके अंदर ये ज्ञान रूपी खजाने या विजडम कह सकते हैं, वो सदा रहेगा। उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती हैं। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं, उन्हें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। और मुख्य, उन्हें परमात्मा से कुछ मांगना नहीं पड़ता, कुछ फरियाद नहीं करनी पड़ती कि परमात्मा पिता मुझे शक्ति दे दो, मुझे शांति दे दो, मुझे खुशी दे दो, मुझे विवेक दे दो। मांगना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही उनका होता है, क्योंकि वह परमात्मा की याद में सदा रहते हैं। और ये याद क्या है? वो तभी हो सकती है जब आप किसी को जानते हो, पहचानते हो। तो परमात्मा है कौन, कहाँ रहते हैं, दिखते कैसे हैं, और हमारा उनके साथ में संबंध क्या है, ये जान लिया जाए तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी और सारे खजाने आपके हो जाएंगे। और आप जितना इनको बांटेंगे उतना ही बढ़ेंगे। ये करें कैसे? इसके लिए आप ब्रह्म कुमारी इसमें 7 दिन का कोर्स करिए। इसके साथ ओम शांति।